नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर के कालाकुआ निवासी कपड़ा व्यापारी पवन जैन चौधरी के बैंक खाते से 20 लाख रुपए की ठगी हो गई। ठगी भी ऐसे कि व्यापारी के पास ना कोई ओटीपी आया ना कोई मैसेज, केवल मोबाइल नंबर हैक कर 20 मिनट में पूरा बैंक खाता साफ कर लिया गया। जब खाते से पैसे कटने का पता लगा तो बैंक पहुंचे, बैंक से पता लगा कि 4 बार में पैसा ट्रांजैक्शन कर फेडरल बैंक विकासपुरी दिल्ली व लखनऊ ब्रांच के खाते बैंक खाते में डाला गया है। इसमें केवल 20 मिनट का समय लगा। अब पुलिस को शिकायत दी है। व्यापारी पवन जैन ने कहा, हम खूब सजग थे फिर भी अकाउंट से पैसा साफ हो गया। इस साइबर ठगी का पता तक नहीं चल सका है कि कैसे पैसा ट्रांजैक्शन कर लिया गया। अब बैंक कर्मी भी इसकी जांच में लगे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अरावली यार्ड में है जिसमें हमारी लिमिट भी है, और कल शाम को 7:30 के आसपास जिस फर्म का हमारा अकाउंट है उस जिस 2 नंबर अटैच है वो मोबाइल ही हमारा हैक हो गया, और मोबाइल ही बंद था और बिना ओटीपी आए और बिना ही मेल पे मैसेज आए। अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए थे तो उसमें कुल 167 रुपये छोड़ कर बाकी रुपये 4 बार में ट्रांजेक्शन कर और वो अकाउंट में से निकाल लिए, और उसमें अब जानकारी लगी है कि वो अकाउंट में से रुपए निकल के करीब 5 लाख रुपए तो गए हैं विकासपुरी दिल्ली की ब्रांच में फेडरल बैंक में, और करीब 14,30,000 रुपए गए हैं लखनऊ ब्रांच में फेडरल बैंक की में, और वहाँ से भी वो पैसे निकल चुके हैं। प्रयास जारी है, सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग थाने में रिपोर्ट करा दी है। किस तरीके से इन्होंने आपको कॉल किया, किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट हुए इनके? नहीं, कॉन्टेक्ट है ही नहीं हमारा कोई कॉन्टेक्ट है नहीं। हम तो जैसे रात को सो गए तो सुबह मोबाइल पे एक मैसेज था कि आपके अकाउंट से 7 लाख रुपए विड्रॉल हुए हैं। जब एक मैसेज था तो उस मैसेज पे भाई ने पूछा कि भाई साहब किसको किए हैं, भाई किए नहीं किसी को हमने। जब नहीं किए फिर 10 बजे जैसे बैंक खुली, बैंक आए तो पता चला बैंक पूरी साफ है, करीब 20 लाख। 4 बार अलग अलग निकाले उन्होंने, तो जब पहली बार निकाला जब आपको पता नहीं लगा? नहीं, आया नहीं, मैसेज ही नहीं आया। 8:12 की पहली कॉल है कि हमने बैंक में चेक किया कि शाम को 8:12 पे पहली उसने निकाले, 8:12 से लेकर 8:30 तक में 4 बार उसने निकाल लिए। मैसेज सुबह हमारे पास करीब रात के 2:15 का मैसेज है जो आया है 7,30,000 का, जो मैसेज हमने सुबह देखा उसमें भी एक ही मैसेज आया था। उस मैसेज के बिहाफ पे ही हम लोग बैंक आए सुबह। केवल 18 मिनट में 18 से 20 मिनट में चार बार उन्होंने पैसा हैक करके और निकाल के करीब 19,30,000 रुपये ट्रांसफर ले, बिना कोई ओटीपी बताए, बिना ओटीपी और बिना मेल पे आए। क्योंकि जितने भी बड़े अमाउंट है मेल पे भी आती है उसकी ओटीपी और मोबाइल पे भी आती है, ना तो मोबाइल पे ओटीपी हमारे पास है और ना ही हमारे मेल पे ओटीपी है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? पवन जैन चौधरी। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ।